हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी आसर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी कुछ ही दिन पहले रियलमी ने अपनी 13 प्रो सीरीज में 13 प्रो एज वेल एज 13 प्रो प्लस को इंडियन मार्केट में लॉन्च करा था। अब वही रियलमी अपनी 13 सीरीज में दो नए स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में कुछ ही दिनों में लॉन्च करने वाली है। टोटल दो स्मार्टफोन मिलेंगे, रियलमी 13 5G, दूसरा रहेगा रियलमी 13 प्लस 5G। फाइनली इसके यहाँ पर लॉन्च को लेकर यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर बाहर आ चुकी है। क्या कुछ स्पेक्स मिलेंगे वो कुछ यहाँ पर लीक होकर आ चुका है। इंडिया में कब तक देखने को मिल सकता है, क्या कुछ प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो सकता है, कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर रियलमी 13 एज वेल एज रियलमी 13 प्लस स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट के बारे में। तो लॉन्च डेट तो अभी फिलहाल यहाँ पर रियलमी ने इंडिया ने रिवील नहीं करा है, लेकिन जो इसका लैंडिंग पेज है वो यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे आ चुका है। दोनों स्मार्टफोन का जो लैंडिंग पेज आ चुका है, इसका मतलब ये है कि 10 से 15 दिन के अंदर ही ये स्मार्टफोन आपको इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए दिखेगा। तो आप पकड़ के चलो 20 अगस्त के बाद से, मतलब 20 से 30 अगस्त के बीच में जो है आपके दोनों स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए दिखने वाले। अब बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से ये स्मार्टफोन के जितने भी स्पेसिफिकेशन वगैरह लीक हो गया है वो आप लोग के साथ में शेयर कर देता हूं। बिल्ड डिजाइन एंड फर्स्ट लुक की अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले यहां पर जो है सर्टिफिकेशन वेबसाइट वगैरह पे यहां पर लिस्ट हुआ था, तो आप फर्स्ट लुक यहां पर आप देख सकते हो, वही टिपिकल रियलमी वाला आपको डिजाइन देखने को मिलेगा। बैक में ट्रिपल एयर कैमरे का सेटअप रहेगा, फ्लैश रहेगा, दिखने में जैसे कि रियलमी के हर स्मार्टफोन दिखते वैसा कुछ यहां पर डिजाइन दिया जाएगा। डिस्प्ले की बात करें तो जो 13 5G है वहां पर बताया जा रहा है आपको 120Hz का एक IPS डिस्प्ले मिलेगा, जबकि जो 13 प्लस है वहां पर बताया जा रहा है 120Hz आपको एक AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा। दोनों में यहां पर आपको 8GB RAM, 12GB RAM अलग-अलग वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। वही परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो जो Realme 13 5G रहेगा वहां पर बताया जा रहा है आपको Snapdragon का 6 Gen 1 वाला 5G चिपसेट देखने को मिल सकता है, जबकि जो 13 प्लस है वहां पर ऑलमोस्ट कंफर्म है कि यहां पर आपको MediaTek का Dimensity 7300 वाला 5G चिपसेट मिलेगा, जो कि 4M टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रहेगा। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर Realme 13 5G में बताया जा रहा है यहां पर आपको बैक में डुअल कैमरे का सेटअप मिलेगा, 50MP का प्राइमरी सेंसर रहेगा, देन एक 2MP का डेप्थ सेंसर रहेगा, जबकि 13 प्लस में बताया जा रहा है 50MP का प्राइमरी सेंसर रहेगा OIS के साथ में, देन 8 का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, देन 2MP का मैक्रो कैमरा रहेगा, एंड बताया जा रहा है 16MP का सेल्फी कैमरा यहां पर होने वाला है। दोनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएंगे, रियलमी UI पे रन करेंगे। एंड जो 13 5G है वहां पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जबकि जो प्लस वाला वेरिएंट है वहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा। बैटरी लाइफ एंड फास्ट चार्जिंग की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है दोनों स्मार्टफोन आपको 5000mAh बैटरी के साथ में मिलेंगे, एंड दोनों यहां पर 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ में यहां पर दिए जाएंगे। सो गाइस, ये ओवरऑल यहां पर कुछ स्पेक्स वगैरह लीक हो गए थे अपकमिंग Realme 13 5G एज वेल एज Realme 13 प्लस 5G स्मार्टफोन को लेके। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि क्या कुछ प्राइस पॉइंट पे हमें ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए दिख सकते हैं। तो जो अर्ली यहां पर जो प्राइस पॉइंट वगैरह लीक हो गया है, बताया जा रहा है जो Realme 13 5G स्मार्टफोन है ये आपको 14,000 से 15,000 रुपीज की कैटेगरी में यहां पर लॉन्च होते हुए दिखेगा, जबकि जो प्लस वाला वेरिएंट है इंडियन मार्केट में बताया जा रहा है 19,000 से 20,000 रुपीज के आसपास यहां पर लॉन्च होने वाला है। उसे कैसा मुझे कम सेक्शन में बताना, अपकमिंग रियलमी 13 सीरीज के दोनों स्मार्टफोन आपको कैसे लगे, आपकी क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है ये स्मार्टफोन के साथ में, एंड ये स्पेक्स के साथ में अगर ये स्मार्टफोन आते तो आपके हिसाब से इसकी इंडिया प्राइस पॉइंट क्या होनी चाहिए मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप सब्सक्राइब होगी, एंड कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।